साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सबसे पहले आप तमाम साथी ये बतलाइए आपको मेरी आवाज़ क्लियर मिल रही है। अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच रही है तो एक बार जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जी एस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। ये क्लास साथियों स्पेशल है यूपी टेट वालों के लिए, लेकिन अगर आप ट्वेल्थ क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी वीवीआई है। किसी भी मैट्रिक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर मानो बीएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं या फिर एएमयू की, ऑल ओवर इंडिया सीटेट का एग्जाम छोड़कर किसी भी उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप करते हैं या आप उर्दू जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये। आपने थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत, एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसे दुनिया सर सैयद अहमद खान के नाम से जानती है, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, इनके हालातों ख्यालात को जानेंगे और इनके साथियों कारनामे को जानेंगे, और इसके जिम्न में एग्जाम के पॉइंट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन तमाम चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज का ये वीडियो काफी बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। साथियों सबसे पहले आपको इनके नाम के बारे में आप जान लीजिए। तो सर सैयद अहमद खान का जो असल नाम है, क्या सर सैयद अहमद खान का जो असल नाम है वो है सर सैयद अहमद खान। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि अल्लामा इकबाल का असल नाम है शेख मोहम्मद इकबाल, लेकिन इनका साथियों जो नाम है उसी नाम से ये मशहूर भी हुए थे। कौन? सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान का असल नाम है सर सैयद अहमद खान। इनके वालिद का नाम है मीर मुत्तकी, और कहीं कहीं पर मीर मोहम्मद मुत्तकी भी आता है, याद रखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इनकी वालिदा मोहतरमा का नाम है अजीजुन निसा बेगम। एक बात यहीं पर आप ऐड कर लेंगे साथियों, इनकी वालिदा मोहतरमा का नाम है अजीजुन निसा बेगम, और जबकि हमने साथियों पढ़ा है इज्जतुन निसा बेगम जो है ये नाम है मिर्जा गालिब की वालिदा मोहतरमा का। तो सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम मीर मुत्तकी और इनकी वालिदा मोहतरमा का नाम अजीजुन निसा बेगम है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पैदाइश के सिलसिले में तो सर सैयद अहमद खान की जो पैदाइश है वो 17 अक्टूबर सन 1817 ईस्वी दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी, और इनकी जो वफात है वो 27 मार्च सन 1898 ईस्वी अलीगढ़ में इनकी वफात हुई थी। देखिए तारीख पैदाइश पूछा जाता है इसलिए आप इसको याद रखिएगा, और यूपी टेट में तारीख पैदाइश एक बार पूछा भी गया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सर सैयद अहमद खान ने इस्लामी तालीम मौलवी फैजुल हसन, मौलवी नवाजिश अली, मौलाना मखसूसुल्लाह से हासिल की थी। पिछले वीडियो में हमने अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ा था कि अल्लामा इकबाल के जो बचपन के उस्ताद थे उनका नाम था मौलाना मीर हसन। क्या नाम था? मौलाना मीर हसन। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सर सैयद अहमद खान के उस्ताद मुहतरम का नाम था मौलवी फैसल हसन, मौलवी नवाजिश अली, मौलाना मखसूसुल्लाह। सर सैयद की शादी पारशा बेगम से हुई थी, याद रखिएगा। तो गोया के हमने ये जाना कि सर सैयद की जो शादी हुई थी यानी उनकी बीवी का नाम था पारशा बेगम। और एक बात याद रखिए, हमने अल्लामा इकबाल के इसमें यह पढ़ा था कि उनकी तीन बीवियां थी। उसके बाद साथियों हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद में पढ़ा था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की बीवी का नाम जुलेखा बेगम था, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है 1838 में सर सैयद के वालिद का इंतकाल हो गया यानी मीर मुत्तकी का इंतकाल हो गया। उस वक्त
सर सैयद अहमद खान सिर्फ 21 साल के थे जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ था, और 1861 में सर सैयद अहमद खान की बीवी का इंतकाल मुरादाबाद में हो गया, जो इनकी बीवी थी पारशा बेगम। उस वक्त सर सैयद अहमद खान सिर्फ 44 साल की थी उनकी उम्र, ठीक है, यानी 1838 में उनके वालिद मुहतरम और फिर उनकी वालदा ये बीवी जो है वो 44 साल में साथियों इंतकाल कर गई। जिनसे दो लड़के हुए थे, एक का नाम था सैयद हामिद, दूसरे का नाम था सैयद महमूद, और एक लड़की भी हुई थी, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने 1840 में मुनसफी का इम्तिहान पास किया था। ये मुनसफी क्या होता है, असल में यूपी में साथियों मुनसफी होता है, और वहां पे मुंशी होता है, वहां पे साथियों आपका और भी इसी टाइप के वहां पे एग्जाम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ आलिम फाजिल होता है, ये सब चीज भी होता है, लेकिन मुनसफी भी है, मुंशी भी है वहां पे, ठीक है ना जी, ये सब चीज वहां पे होता है, तो वही बोर्ड है यूपी बोर्ड का। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी, ये एक बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अहम है, और ये पूछा जाता है कि सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में कायम करवाया था। आपको पूछा जाएगा कि साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ है, तो याद रखिएगा गाजीपुर में है। इसको किसने कायम किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने, और सर सैयद इसके एजाजी सेक्रेटरी मुंतखब हुए। साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद था मगरबी जबानों में लिखी गई किताबों का उर्दू में तर्जमा करना। मगरबी जबान में इनसे हुआ कि जो इंग्लिश में जो किताबें हैं उसका उर्दू में तर्जमा करना। तो साथियों एक बात आप याद रखिए, अगर आपको पूछ ले कि साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ है, तो गाजीपुर में है, और इसको किसने कायम किया, सर सैयद अहमद खान ने कायम किया। इसका मकसद क्या था, तो मगरबी जबानों में लिखी गई किताबों का उर्दू में तर्जमा करना। क्या, मगरबी जबानों में लिखी गई किताबों का उर्दू में तर्जमा करना। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, चलिए। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी हफ्तवार अखबार, यानी एक पेपर, एक रिसाला वहां से निकाला, जो साप्ताहिक रिसाला था, उस रिसाला का नाम था साइंटिफिक सोसाइटी हफ्तवार अखबार का इजरा अलीगढ़ में 1866 में किया था, जिसका नाम बाद में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट रखा गया। बहुत ही अहम है साथियों, याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट कहां से शाये होता था, तो ये साथियों अलीगढ़ से, और किसने निकाला था, तो सर सैयद अहमद खान ने, लेकिन इसका पहले जो नाम था वो नाम था साइंटिफिक सोसाइटी हफ्तवार अखबार। उसके बाद आगे याद रखिए, सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान से वापसी होने के बाद लोगों की इस्लाह और तहजीब व तरबियत के लिए स्पेक्टेटर और टेटलर के अखबार एडिसन और स्टीन से मुतासिर होकर तहजीबुल अखलाक जारी किया था। इसमें देखिए आपको तमाम बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, जो ये लाइन अभी मैं पढ़ा हूं आप ये याद रखिए कि अगर आपको पूछ ले कि तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया, तो सर सैयद अहमद खान ने, यह भी एक रिसाला है, और साथियों कहां से वापसी के बाद जारी किया था, जब ये इंग्लिस्तान गए थे, वहां से आए थे, तो वहां के बाद इन्होंने इस रिसाला को जारी किया। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए, रिसाला तहजीबुल अखलाक का पहला शुमारा 24 दिसंबर 1870 ईस्वी को अलीगढ़ से जारी किया गया, और इसका अंग्रेजी में नाम था साथियों मोहम्मडन सोशल रिफॉर्मर। क्या, मोहम्मडन सोशल रिफॉर्मर इसका नाम था अंग्रेजी में। क्या नाम था, मोहम्मडन सोशल रिफॉर्मर इसका नाम था अंग्रेजी में। तहजीबुल अखलाक के एडिटर और मैनेजर सर सैयद अहमद खान थे। अब आपको तीन चार क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक नंबर में यह पूछा जाएगा कि रिसाला तहजीबुल अखलाक कब जारी किया गया, तो याद रखिए 1870 में। किसने जारी किया, तो सर सैयद अहमद खान ने जारी किया। इसके एडिटर कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान थे। रिसाला तहजीबुल अखलाक का पहले नाम क्या था, इंग्लिश में नाम क्या था, तो मोहम्मडन सोशल रिफॉर्मर। क्या, मोहम्मडन सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। रिसाला तहजीबुल अखलाक तीन बार बंद हुआ था, कितनी बार बंद हुआ था, तीन बार बंद हुआ था। पहली बार रिसाला तहजीबुल अखलाक 1876 ईस्वी में बंद हुआ था। कब हुआ था, 1876 ईस्वी में रिसाला तहजीबुल अखलाक बंद हुआ था पहली बार। तहजीबुल अखलाक का दोबारा इजरा, यानी फिर से साथियों चालू हुआ,
1879 में, ठीक है, यानी 1879 में। उसके बाद साथियों आपका है तहजीबुल अखलाक दोबारा बंद हुआ 1881 में बंद हुआ। फिर रिसाला तहजीबुल अखलाक तीसरी बार इसका इजरा हुआ 1894 में हुआ था। तहजीबुल अखलाक तीसरी बार बंद हुआ 1897 में, ये साथियों बंद हुआ था। तहजीबुल अखलाक की मुखालिफत में मौलवी इमदाद अली पेश थे, जिन्होंने इसके जवाब में इमदादुल आफाक नाम का रिसाला जारी किया था। इसीलिए वो ये चाहते थे कि इस रिसाला को बंद कर दिया जाए, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे है साथियों, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में 1875 में, बहुत ही अहम चीज है याद रखिएगा जी, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में 1875 में मदरसतुल उलूम की बुनियाद रखी थी। क्या नाम था पहले? मदरसतुल उलूम की बुनियाद रखी थी। कब रखी थी? 1875 में। और 24 मई 1875 को मलिकाए विक्टोरिया की सालगिरह के दिन मदरसा का इफ्तिताह हुआ था, और यकुम जून 1875 से तालीम इसमें शुरू हो गई थी। किसमें? मदरसतुल उलूम में। और फिर 1878 को मदरसतुल उलूम तरक्की करके कॉलेज बन गया। अब एक बात याद रखिए साथियों, इसका नाम पहले क्या था? तो मदरसतुल उलूम। कब बुनियाद रखी गई थी? 1875 में। किसने रखी थी? सर सैयद अहमद खान ने। लेकिन यह कॉलेज कब बन गया? 1878 में, यानी 3 साल के बाद। और फिर अब इसका नाम रखा गया साथियों मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी साथियों ये बन गया था। ध्यान दीजिए, यूनिवर्सिटी एक बार में नहीं बनता है, पहले सबसे पहले 1875 में मदरसतुल उलूम नाम से कायम किया गया। 3 साल के बाद यानी 1878 में ये साथियों एक कॉलेज बन गया, और उस कॉलेज का नाम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा गया। और फिर 1920 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, और उसे दुनिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आज जानती है। ये है साथियों उसकी तारीखी पहलू, और बहुत भी चीजें हैं, उतनी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी। भीआई है, लगा लीजिएगा स्टार पॉइंट। यानी कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि मुंदरजा जैल में किसने किस पे चश्मकश नहीं थी, यानी यह पूछा जाता है किसने अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी, या कभी पूछ लेगा आपको किसने सर सैयद की खुलकर मुखालिफत की थी, तो वो थे साथियों अकबर इलाहाबादी। कौन? अकबर इलाहाबादी। क्या साथियों? अकबर इलाहाबादी, ठीक है। अब ये चीजें हमने पेश मंजर में जान लिया कि सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए, और साथियों इनके बारे में हमने ये जाना कि 27 मार्च सन 1898 को अलीगढ़ में इनकी वफात हुई। इनकी वालिद मोहतरम का नाम था मीर मोहम्मद मुत्तकी, और इनकी वालदा मोहतरमा का नाम था अजीजुन्निसा बेगम, और इनकी बीवी का नाम था पारशा बेगम। ये सब चीजें हमने जान ली। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने 1870 में रिसाला तहजीबुल अखलाक निकाला, जिसका पहले नाम था साथियों क्या? जे सोशल रिफॉर्म है। उसके बाद फिर साथियों इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में ही एक मदरसतुल उलूम कायम किया, और फिर 1878 में वो एक कॉलेज बन गया जिसका नाम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा गया, और 1920 में वो एक यूनिवर्सिटी का उसको मान्यता मिल गया, और फिर उसका नाम एएमयू पड़ गया, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब यहां पे साथियों याद रखिए जे एजाजातो खिताबात भाई साहब, एक साहब ने जे ये किया कि क्या बच्चों वाली क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी आप बूढ़ों वाली क्वेश्चन जहां आपको मिल जाए वहां चले जाएं, क्योंकि साथियों हमारे नॉलेज में इतनी ही है, हमारी जानकारी यही तक है, इसलिए हम आपको यहीं तक दे सकते हैं। इससे आगे आपको अगर कहीं मिल जाए, आप बड़े होंगे, तो इसके लिए मैं माजरत कि आपका मैंने 1-2 मिनट ले लिया। चलिए उसके बाद एजाजातो खिताबात को देखेंगे। हकीम अहसनुल्ला खान के कहने पर बहादुर शाह जफर ने सर सैयद अहमद खान को जव्वादुद्दौला और आरिफ जंग का खिताब दिया था। बहुत ही अहम पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपको कि जव्वादुद्दौला
और आरिफ जंग किसका खिताब था? तो सर सैयद अहमद खान का खिताब था। और एक चीज आपको पूछा जाएगा कि मिर्जा नौशा, मिर्जा दुल्हा बाबू कहकर किसे पुकारा जाता था? तो वो साथियों मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को कहकर पुकारा जाता था जी, ठीक है ना। उसके बाद आगे है, सर सैयद अहमद खान को CSI का खिताब और तमगा इंडिया ऑफिस लंदन की एक तकरीब में 1869 ईस्वी में को दिया गया था। सर सैयद अहमद खान को बरतानवी हुकूमत के जरिया सन 1888 में सर का खिताब इन्हें मिला था, याद रखिएगा। और एक चीज हमने पढ़ा था, शायद आपको याद हो कि न हो याद, अल्लामा इकबाल के बारे में, कि अल्लामा इकबाल को भी सर का खिताब मिला था और उन्हें 1923 में यह खिताब मिला था, ठीक है ना, ये बातें याद रखेंगे। चलिए, मेहदी अफादी के मुताबिक, मेहदी अफादी का एक कौल है, उनके मुताबिक अनासिर खमसा, मेहदी अफादी ने कहा था कि अनासिर खमसा उन्होंने कहा था। देखिए खमसा के माने होते हैं पांच के, यानी मेहदी अफादी ने कहा था कि पांच अनासिर, किसके किसका नाम लिया था वो पूछा जाता है। तो सर सैयद अहमद खान को उन्होंने कहा था, अल्ताफ हुसैन हाली को कहा था, मोहम्मद हुसैन आजाद को, अल्लामा शिबली नुमानी को, डिप्टी नजीर अहमद को। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, ये टोटल पांच को मेहदी अफादी ने अनासिर खमसा कहा था। कभी कभी आपको पूछेगा सर सैयद, अल्ताफ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्लामा शिबली नुमानी, डिप्टी नजीर अहमद को किसने अनासिर खमसा कहा है? तो मेहदी अफादी ने कहा। किसने कहा साथियों? मेहदी अफादी ने कहा। किसने कहा जी? मेहदी अफादी ने कहा था, ठीक है। उसके बाद आगे है साथियों, सर सैयद अहमद खान के दिगर रुफका, रुफका जो है ना रफीक की जमा है और रुफका के माने होते हैं साथी। तो सर सैयद अहमद खान के जो साथी थे उसको अब हम लोग देखेंगे, वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही अहम है। सैयद मेहदी अली खान, मौलवी चिराग अली, मौलवी जकाउल्ला, समीउल्ला खान, इनायतुल्ला खान, हाजी मोहम्मद इस्माइल, ये तमाम के तमाम जो है साथियों वो सर सैयद अहमद खान के क्या थे? रुफका में आते हैं, यानी उनके दोस्तों में इनका शुमार होता है। एक बात याद रखिएगा, मौलवी जकाउल्ला के बारे में बहुत बार पूछा गया है, मंदरजा जैल में कौन सर सैयद के रुफका में किनका शुमार होता है? तो साथियों मौलवी जकाउल्ला उसमें आपको आ जाता है। अब उसके बाद आगे देखिए, सर सैयद अहमद खान हमारे कौम के बहुत ही साथियों बेस्ट लीडर थे, उन्हें उनके दिल में ये तड़प थी कि हमारे कौम में जो इस्लामियात है, जो हमारे साथ इस तालीम के साथ साथ असरी उलूम भी आए, यानी उनका ये मानना था कि एक हाथ में हमारे क्या हो साथियों सीने में हमारे कुरान हो और हम दुनियावी तालीम से भी क्या आरास्ता हो परास्ता हो, ये सर सैयद अहमद का मानना था। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, आसारुस सनादीद जी ध्यान दीजिएगा, जी ध्यान दीजिए, आसारुस सनादीद ये किताब है बहुत ही बेस्ट, इसके बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आसारुस सनादीद, देखिए आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप बाद में पूछ लेना, अभी थ्योरी बेस है ना, आप जब तक साथियों क्लास खत्म ना हो लास्ट में पूछना, जब मैं पूछूंगा कि कुछ पूछना है उस समय मैं सभी का जवाब दे दूंगा। आसारुस सनादीद, इस किताब में सर सैयद अहमद खान ने दिल्ली की तारीखी इमारतों और नामवर लोगों के हालात लिखे हैं। आसारुस सनादीद के बारे में पूछा जाता है कि आसारुस सनादीद किसने लिखा, तो सर सैयद अहमद खान ने लिखा। इसमें कहां के हालात बयान किए गए, तो दिल्ली के, और दिल्ली की साथियों एक एक इमारतें, यहां तक के कुतुब मीनार, मस्जिद कुव्वते इस्लाम जो कि एक विवाद, बहुत उसका विवाद खड़ा है, झगड़ा खड़ा है। आप कभी कुतुब मीनार में जाएंगे तो उसमें साथियों बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिसके वजह से झगड़ा है उस पे। ये सारी चीजें उस मस्जिद कुव्वते इस्लाम की मस्जिद की एक एक इबारत जी, यहां तक के कुतुब मीनार के जो साथियों दीवार में इबारत लिखी है, उन तमाम इबारतों का जिक्र जो है सर सैयद अहमद खान ने आसारुस सनादीद में किया है। और भी दिल्ली की जो तारीखी इमारतें हैं
उन सभी का जिक्र उन्होंने आसार उस सनादीद में किया है। तो आपको यह पूछा जाएगा कि मुंदरजा जैल में तारीखी किताब सर सैयद अहमद खान की कौन है? आसार उस सनादीद। आसार उस सनादीद किसने लिखा? सर सैयद अहमद खान ने। इसमें कहां की तारीखी हालात को बयान किए गए? दिल्ली के। उसके बाद एक किताब साथी उन्होंने लिखी है, तारीख जिला बिजनौर। तारीख जिला बिजनौर, हुकूमत हिंद के कहने पर बिजनौर में तारीख जिला बिजनौर नामी एक किताब इन्होंने लिखी है। उसके बाद एक किताब इन्होंने लिखी है साथियों, जिसका नाम है तारीख शरकशीय बिजनौर। शरकशीय बिजनौर और मुरादाबाद में यह किताब लिखी गई है। इस किताब में सर सैयद अहमद खान ने मई 1857 से लेकर अप्रैल 1858 तक गदर के वाकयात, जी वह तारीखी वाकयात और हालात कलमबंद किए हैं जो जिला बिजनौर में पेश आया था। आपको साथियों पता होगा कि हमारा देश जब गुलाम था तो इसमें जो सबसे पहली अजीम जंग लड़ी गई थी वो 1857 में लड़ी गई थी। तो इस 1857 का जो वाकया किया है उन्होंने, वाकया बयान किया, यानी जो बिजनौर में लोगों ने किस तरह लड़ी थी, तो वो तारीख शरकशी बिजनौर के नाम से इन्होंने लिखी है। और उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने एक और किताब लिखी जिसका नाम था रिसाला असबाब बगावत हिंद। क्या नाम था? रिसाला असबाब बगावत हिंद। ये किताब मुरादाबाद में लिखी गई थी और 1858 में इसे छपवाकर इंग्लिस्तान के पार्लियामेंट के मेंबर और हुकूमत हिंद को भिजवा दिया गया था। ये रिसाला आम पब्लिक के लिए नहीं शाये किया गया था, यानी आम लोग इसको नहीं पढ़ सकते थे। अब देखिए एक बात आपको पूछी जाएगी कि सर सैयद अहमद खान की वो कौन सी किताब है जो आवाम के लिए नहीं छपी थी? तो उस किताब का नाम था रिसाला असबाब बगावत हिंद। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने साथियों सफरनामा भी लिखा था। इनके सफरनामा का नाम था मुसाफिराने लंदन। लगा लीजिए स्टार पॉइंट। ये सफरनामा 1869 ईस्वी में अखबार साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ में शाये हुआ था, होता रहा। किताबी सूरत में पहली बार इसे मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने 1961 में शाये किया था। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने सफरनामा में सफरनामा पंजाब भी इन्होंने लिखा है और एक तफसीरुल कुरान भी इन्होंने लिखा है। तो ये थे सर सैयद अहमद खान के साथियों कारनामे। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे सर सैयद अहमद खान के अकवाल, यानी इनके जो कौल हैं जो हमारे को बहुत पूछा जाता है। सर सैयद अहमद खान का कौल है कि फलसफा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में और कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर। ये साथियों सर सैयद अहमद खान का कौल है, आपको पूछा जाता है। उसके बाद मीर अमन को उर्दू नसर में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। ये चीज भी आपको पूछा जाता है कि ये किनका कौल है कि मीर अमन को उर्दू नसर में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। ठीक है साथियों, अब देखिए सर सैयद के बारे में लोगों का क्या ख्याल है, लोगों का क्या कौल है उनके सिलसिले में। तो सर सैयद के बारे में हाल ही ने कहा था, हाल ही ने उर्दू नसर का मोरी से आला सर सैयद अहमद खान को करार दिया है। कभी कभी आपको यह भी पूछा जाएगा जे के सर सैयद अहमद खान को उर्दू नसर का मोरी से आला किसने कहा? तो वो हाल ही ने कहा था। उसके बाद साथियों उर्दू इंशा पर्दाजी के मुजद्दिदे और इमाम सर सैयद हैं, ये बात अल्लामा शिबली नौमानी ने कही थी। उसके बाद पंजाब के मुसलमान सर सैयद के मुनादी पर इस तरह दौड़े जैसे प्यासा पानी पर, ये बात साथियों हाल ही ने कही थी। किसने कही थी? हाल ही ने कही थी। किसने कही थी साथियों? हाल ही ने कही थी। तो आज के इस वीडियो में हमने सर सैयद अहमद से मुतालिक जितने भी साथियों पॉइंट थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस सभी को हमने कवर किया है। आप लोग बताइए आपको समझ में बातें आ गई या नहीं। आप में से कोई भी जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं उर्दू 30 नंबर की अच्छी तैयारी करने के लिए, तो आज ही हमारे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके। आपके लिए मैंने बहुत बेहतरीन नोट्स बना रखा है, आप नोट्स ले सकते हैं। डेली का क्लास, पीडीएफ, सभी चीजें आपको मिल जाएंगी, आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाएगी। साथियों हमने ये कहा कि सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 1817 में हुई थी दिल्ली में और इनकी जो वफात है वो 1898 में हुई थी। इन्होंने 1875 में क्या किया था?
मदरसतुल उलूम कायम किया और ये मदरसतुल उलूम 1878 में कॉलेज बना मोहम्मद अल एंग्लो के नाम से, और फिर 1920 में साथियों ये यूनिवर्सिटी बन गया। सर सैयद अहमद खान ने आसार और सनादीद किताब लिखी, रिसाला असबाब बगावत हिंद, तफसीरुल कुरान, मुसाफिराने लंदन और सफरे पंजाब, ये सब किताबें इनकी है, इसको आप याद रखिएगा। बाकी किसी को और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं साथियों, ये बातें आपको समझ में आई या नहीं सभी लोग बताइए जी। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो साथियों, कुछ पूछना है इसका एमसीक्यू जो है वो कल कराऊंगा आपको जी जी। ठीक है सर, आप बताएं, अब बाद में बता देंगे, क्या बता देंगे भाई अताउर रहमान, चलिए बताइए क्या क्या पूछना। अतीकुर रहमान सर आप जवाब दे देंगे, फाजिल की तैयारी कराएंगे कि नहीं। फाजिल की तैयारी हमारे यहाँ से नहीं होता है, वो थ्योरी बेसिस क्लासेस होते हैं, और फाजिल की तैयारी जो है ना, हम जो भी है वो कंपटीशन लेवल की तैयारी कराते हैं, फाजिल के जो है वो आपको लिखना पड़ता है, वो ये थ्योरी बेसिस क्लासेस हमारे यहाँ से नहीं होते हैं। एमसीक्यू नहीं होगा आज, नहीं होगा एमसीक्यू, एमसीक्यू कल कराएंगे जी। ठीक है साथियों, तो इन सब चीजों को आप याद रखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है यूपी टेट के लिए, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। ठीक है, और ये पूछ रहे हैं जी सर समझ आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है शुक्रिया, थैंक यू उरुज फातिमा जी जी। ठीक है साथियों, चलिए ये क्लास को ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी 3-4 दिन ही क्लास हुआ है, आप साथियों अभी भी जुड़कर आप नोट्स हासिल कर सकते हैं, और डेली क्लास करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो आपको बहुत सीख जाएंगे, लेकिन आप चाहोगे एक ही दिन में पूरा सीख रहे तो नहीं हो पाएगा, और एक दिन में आप सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।